Hello everyone, welcome to Power Electrics. Today we will discuss some possible multiple choice questions in Chapter 2, Symmetrical Fault Calculation. If you have not subscribed yet, then subscribe my channel and watch till end. Question number 1. The rating of a circuit breaker is generally determined on the basis of dash short circuit currents. Option A, unsymmetrical, symmetrical. Option C, both A and B. And option D, none of the above. Here, the correct answer is option B, symmetrical. Question number 2. The dash short circuit fault gives very heavy duty on the circuit breaker. Option A, 3-phase. Option B, single phase. Option C, 6-phase, and option D, none of the above. Only 3-phase fault में ही circuit breaker का duty बढ़ जाता है क्योंकि बहुत heavy amount of current flow हो रहा है. इसलिए, the correct answer is option A. Question number 3. A 1000 kVA transformer with 10% reactance will have a reactance of dash at 2000 kVA base. इसमें given है transformer का rating और transformer का रिएक्टेंस गिवन है और बेस केवीए भी गिवन है 2000 केवीए. पूछा है कि ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस कितना होगा 2000 केवीए बेस पर. तो इसका फॉर्मूला है परसेंटेज रिएक्टेंस एट बेस केवीए इक्वल टू बेस केवीए अपॉन रेटेड केवीए इनटू परसेंटेज रिएक्टेंस एट रेटेड केवीए. सो फॉर्मूला पुट कर देने से देने के बाद हमें मिला 2000 डिवाइड बाय 1000 इंटू 10. सो ये हो जाएगा 20%. हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 4. शॉर्ट सर्किट केवीए इज ऑप्टेंड बाय मल्टीप्लाइंग द बेस केवीए बाय डैश. शॉर्ट सर्किट केवीए का फॉर्मूला है बेस केवीए इंटू 100 अपॉन परसेंटेज एक्स. हियर बेस केवीए इज गिवन मल्टीप्लाइंग एंड what are the next? It's 100 by percentage x. Here the correct answer is option A. Question number 5. Reactors are used at various points in the power system to dash. Option A, improve power factor. Option B, limit high voltage. Option C, limit short circuit current. And option D, none of the above. Reactor ko hum power system mein isliye use karte hain ki reactor is nothing but an inductor. रिएक्टर को हम यूज करते हैं. इंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या है? ये शॉर्ट सर्किट करंट को, ये चेंज इन करंट को अपोज करता है. शॉर्ट सर्किट करंट इज नथिंग बट अ चेंज इन करंट. दैट्स व्हाई रिएक्टर्स आर यूज्ड एट वेरियस पॉइंट्स इन द पावर सिस्टम टू लिमिट शॉर्ट सर्किट करंट. हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 6. द यूज ऑफ रिएक्टर्स परमिट इंस्टॉलेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर ऑफ डैश रेटिंग. देखो, अगर रिएक्टर परमिट होता है सर्किट ब्रेकर का इंस्टॉलेशन में तो ऑब्वियसली लोअर रेटिंग का होगा क्योंकि रिएक्टर अपोज करता है चेंज इन करंट को और उसमें भी वोल्टेज ड्रॉप होगा. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 7. अ 20,000 केवीए ट्रांसफार्मर विथ 10% रिएक्टेंस विल हैव अ रिएक्टेंस ऑफ डैश एट 10,000 केवीए बेस. इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी अभी किया है, दो क्वेश्चन से पहले इस टाइप का क्वेश्चन. तो इसमें हमें निकालना है रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का फॉर्मूला पुट कर दो बेस केवीए पर और निकालो क्या आता है. इसमें होगा रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, बेस केवीए अपॉन रेटेड केवीए इनटू परसेंटेज रिएक्टेंस एट दैट केवीए. सो ये होगा 10,000 अपॉन 20,000 इनटू 10%. सो इसका आंसर होगा 5%. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 8. इफ द परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ द सिस्टम अप टू द फॉल्ट पॉइंट इज 20% एंड द बेस केवीए इज 10,000, द शॉर्ट सर्किट केवीए इज डैश. इसमें देखो, बेस केवीए गिवन है 10,000, परसेंटेज रिएक्टेंस अप टू द फॉल्ट पॉइंट इज 20%. इसमें शॉर्ट सर्किट केवीए निकालना है. तो शॉर्ट सर्किट केवीए का फॉर्मूला है बेस केवीए इनटू 100 अपॉन परसेंटेज एक्स, परसेंटेज रिएक्टेंस.
सो यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। बेस के बी 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाय परसेंटेज रिएक्टेंस इज 20%। सो इसका आंसर हो गया 50,000। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, केबल्स एंड लाइन्स आर मोस्टली डैश। ऑप्शन ए रेजिस्टिव, ऑप्शन बी रिएक्टिव, ऑप्शन सी कैपेसिटिव एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। केबल्स एंड लाइन्स आर मोस्टली रेजिस्टिव। हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसफॉर्मर्स, रिएक्टर्स एंड जनरेटर्स आर डैश। स्मॉल रिएक्टिव, लार्जली रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव एंड नॉन ऑफ द अबव। देखो, ट्रांसफॉर्मर, रिएक्टर और जनरेटर, इसमें वाइंडिंग होता है तो इसीलिए ये लार्जली रिएक्टिव है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ परसेंटेज रिएक्टेंस। परसेंटेज रिएक्टेंस का फॉर्मूला है I इंटू एक्स अपॉन बी इंटू 100। दैट मीन्स लोड फुल लोड करेंट इंटू रिएक्टेंस अपॉन वोल्टेज इंटू 100। हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ शॉर्ट सर्किट करेंट इफ रिएक्टेंस इज द ओनली रिएक्टेंस एलिमेंट्स इन द सर्किट। हियर ऑप्शन ए एक्स बाई वी, ऑप्शन बी वी बाई एक्स, ऑप्शन सी आई इंटू 100 बाय परसेंटेज एक्स, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। देखो, ऑप्शन बी वी बाई एक्स इट इज रिप्रेजेंट द शॉर्ट सर्किट करेंट एंड ऑल्सो ऑप्शन सी रिप्रेजेंट द शॉर्ट सर्किट करेंट आई इंटू 100 बाय परसेंटेज एक्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन रिएक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ईच जनरेटर दे आर नोन एज डैश। देखो, रिएक्टर अगर कनेक्टेड होगा जनरेटर के साथ सीरीज में तो ये जनरेटर को प्रोटेक्ट करेगा, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि जनरेटर रिएक्टर। हियर द करेक्ट आंसर इज जनरेटर रिएक्टर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। When the reactors are connected in a series with each feeder, they are known as dash. अगर reactor feeder के साथ series में connected होगा तो इसको हम कहेंगे कि feeder reactor. तो यहाँ पर feeder reactor present है. The correct answer is option B. If this video is helpful for you, then subscribe this channel and press the bell icon to receive the notification when I upload any video. Thank you for watching this video.